इंट्रो। हे व्यूअर्स, दिस इज शिवम। तो क्या चल रहा है गाइस? आज की वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, वीडियो देख लेना खुद ड्रॉ का। मैं क्यों बताऊं ना? अच्छा कोई नहीं, बता देता हूँ, ठीक है रुको। आज हम लोग एक पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं जो कि फुल्ली ग्रेफाइट वर्क होगा, साइड में चारकोल यूज किया हुआ और सिंपल व्हाइट पेन, जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। और अभी तक आपने मेरी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जो कि पहली थी वो नहीं देखी है, पहली या दूसरी या तीसरी है ना, बड़ा संकट है। आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो जाइए वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि वो वीडियो कैसी लगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अभी मत चल जाना, आई डोंट नो क्या होगा। और ये जो रेफरेंस इमेज है वो मैंने पिंटरेस्ट से ली है। तो पिंटरेस्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी से रिलेटेड रेफरेंस इमेज उठाने के लिए, तो वहां से आप बेस्ट क्वालिटी की फोटोज उठा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के टाइम लैप्स को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे टाइम लैप्स के बाद। क्या हुआ भाई? रात को ठीक से सोया नहीं था, गर्दन में दर्द हो गया। अच्छा एक मिनट, ऐसे करना, ऐसे ऐसे तेजी से, एकदम तेजी से, तेजी से करना। सब्सक्राइब किए चैनल नहीं, किस्मत ही खराब है यार, मतलब। तो आज का जो वर्क है वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये वाला वर्क फुल्ली ग्रेफाइट वर्क है और इसमें जो जो चीजों की जरूरत हुई उसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा। तो कमेंट करके बताइए कि ये वर्क आपको कैसा लग रहा है, और एक थम्स अप तो बनता ही है इन चीजों के लिए, आप लोग व्यूअर हैं तो इतना तो करिएगा ही। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि
कि इस वर्क में जैसे मैंने चीटिंग क्या की थी वो मैं दिखा देता हूँ कि जैसे आप इसके हेयर को देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये साइन कर रहा है लेकिन बीच वाला एरिया साइन नहीं कर रहा है। वहाँ पे यूज़ हुआ था चारकोल और उस एरिया में मैंने चारकोल इसलिए यूज़ किया, ये नीचे में भी जो मेरा देख रहे हैं ये साइन नहीं कर रहा, वो चारकोल मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ग्रेफाइट से ज़्यादा थोड़ा डार्क होता है। वैसे डार्क दोनों होते हैं लेकिन चारकोल को अगर आप स्मच वगैरह करेंगे ना तो वो ग्रेफाइट की तरह उतना स्लिपरी जैसा नहीं होता है, स्मच अच्छे से हो जाता है। तो जो डार्क एरिया था वहाँ पे मैंने चारकोल यूज़ किया हेयर में नीचे जब साइड साइड में, टेप वगैरह साइड में लगा के रखा करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। और कैसा बना है ये तो आपके ऊपर है, आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। आउट ऑफ 10 में आप इसे कितना देना चाहेंगे, कितना देंगे आउट ऑफ 10? अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया है, इस वीडियो को देखते ही दाब देना चाहिए था, इतनी मेहनत लगी इसको बनाने में। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो artist.io.7635 से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपना वर्क मुझे टैग कर सकते हैं और संडे को फ्री प्रमोट पा सकते हैं। तो जाइए जल्दी से फॉलो करिए, टैग करिए। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।